हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टीव अफेयर्स इस वीडियो में बात करेंगे अक्टूबर के बैंकिंग एंड फिनेंशियल अवेयरनेस के बारे में जो पार्ट थर्ड है यानी 21 से 31 अक्टूबर के बीच में जो इंपॉर्टेंट बैंकिंग फिनेंशियल और इकोनॉमिकल अवेयरनेस हुए हैं ये उसका वीडियो है वीडियो पार्ट थर्ड अगर आपने बाकी के वीडियोज़ नहीं देखे तो उसे प्ले में जाकर जरूर देख लीजिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जो एस बी क्लर्क मेंस में जितने भी क्वेश्चन आए थे जी के इसमें ऑलमोस्ट सभी जो करेंट अफेयर्स जो वीकली करंट अफेयर्स अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो उसमें से काफ़ी सारे मैच हुए जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे और जो बैंकिंग अवेयरनेस के वीडियोज़ थे उसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो रिसेंट्स मैंने कवर किए थे सारे वो सारे आए थे पी आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा चलिए शुरू करते फर्स्ट क्वेश्चन विच बैंक हैज़ लॉन्च क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ अप टू फिफ्टी करोड़ फॉर स्टार्टअप आई डी स्प्रिंग बोर्ड किस बैंक ने इंड स्प्रिंग बोर्ड नामक स्टार्टअप के लिए पचास करोड़ तक के लिए ऋण सुविधा शुरू की है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इंडियन बैंक तो इंडियन बैंक पार्टनर विथ आईआईटी मद्रास फॉर स्टार्टअप स्टार्टअप के लिए एक फिनेंशियल फिनेंसिंग करेगा ये स्टार्टअप जिसका नाम है इंड स्प्रिंग बोर्ड तो इस स्टार्टअप के लिए फिफ्टी करोड़ फैसिलिटी क्रेडिट फैसिलिटी देगा इंडियन बैंक और किसके साथ टाइप किया आई मद्रास के साथ तो इंडियन बैंक हैज़ लॉन्च क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ फिफ्टी करोड़ फॉर स्टार्टअप जिसका नाम है इंड स्प्रिंग बोर्ड इंडियन बैंक से जो रिलेटेड न्यूज़ है रिसेंट के इसने ग्रीन इनिशिएटिव शुरू किया था फॉर पेपरलेस वर्किंग जिसका नाम था आई बी ई नोट आई बी ई नोट भी इंडियन बैंक ने शुरू किया था इंडियन बैंक ने एक और कैंपेन शुरू किया था जिसका नाम था एम एस एम ई प्रेरणा इंडियन बैंक ने तमिलनाडु के फिशरमैन को किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज़ भी दिया था और इंडियन बैंक ने सिडबी के साथ एम साइन किया था फ़ॉर प्रोवाइडिंग सब्सिडी टू स्ट्रीट वेंडर्स अंडर आत्मनिर्भर भारत स्वनिधि स्कीम के तहत सिडबी के साथ एम साइन किया था इंडियन बैंक ने फॉर प्रोवाइडिंग सब्सिडी टू स्ट्रीट वेंडर्स तो ये, ये रिसेंट रिसेंटली कुछ न्यूज़ हैं इंडियन बैंक से रिलेटेड हेड क्वार्टर इंडियन बैंक का कहाँ है चेन्नई और एम कौन है पदमाजा चुंद्रू विच विथ विच बैंक जेनपे सोल्यूशंस एंड वाई ए पी पार्टनर टू इशू सैलरी कार्ड्स टू इट्स कस्टमर तो ग्राहकों को, को वेतन कार्ड के लिए जेनपे और ये ऐप ने किस बैंक के साथ भागीदारी की है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आर बी एल बैंक आर बी एल बैंक रत्नागर बैंक फॉर डिजिटलाइजिंग सैलरी अकाउंट्स टू एम एस एम ई जो एम एस ईमी से एम एस एम ई से रिलेटेड जो भी हैं उन्हें सैलरी कार्ड प्रोवाइड करेगा और इससे उन्हें जो हेल्प मिलेगा वो इंस्टेंट एक्टिवेशन मिलेगा, मिलेगा के वाई सर्विसेज मिलेगा ज़ीरो पेपर वर्क के थ्रू सैलरी कार्ड भी दिया जाएगा तो आर बी एल बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ जेनपे सोल्यूशन एंड वाई ए पी टू इश्यू सैलरी कार्ड्स टू इट्स कस्टमर आर बी एल बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ है मुंबई और एम डी सी ओ कॉलेज के विश्वावीर आहूजा विश्वावीर आहूजा As per trade and development report of UNCTAD, global trade expected to fall by बाई तो अंक की रिपोर्ट ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है उसके अनुसार जो वैश्विक व्यापार में कितने प्रतिशत की गिरावट आएगी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सात से नौ परसेंट तो जो ग्लोबल ये होता है ग्लोबल ट्रेड में जो परसेंटेज फॉल आएगा वो कितने का आएगा सात से नौ परसेंट का अंक क्या है यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटेड इसका हेड क्वार्टर कहाँ है जेनेवा में है और सेक्रेटरी जनरल कौन है मुघिसा कीतुई तुई कीतुई इसके सेक्रेटरी जनरल हैं विच बैंक हैज़ won सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 तो किस बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बैंक ऑफ घना बैंक ऑफ़ घना हैज़ won द सेवन्थ एनुअल बैंकिंग अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी घना का करेंसी क्या है घनानियन सी डी सी ई डी आई घनानियन सी डी और एकरा है इसका कैपिटल ए डब्ल सी आर ए डबल सी आर एकरा कैपिटल है और घनानियन सी डी सी ई डी आई सी डी इसका करेंसी है बैंक ऑफ़ घना इज वन देंट्रल बैंक ऑफ द ईयर एवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी विच कंपनी एंटर्ड इन पार्टनरशिप विथ एटलांटिस टू एक्सपैंड डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम इन इंडिया तो भारत में डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम के विस्तार के लिए एटलांटिस ने किस कंपनी ने साझेदारी की है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मास्टरकार्ड तो मास्टर कार्ड फॉर प्रोवाइडिंग यूज़र्स जो मास्टर कार्ड प्रोवाइड कराया यूज़र्स को और डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए इसने पार्टनरशिप किया किसके साथ एटलांटिस के साथ फॉर प्रोवाइडिंग एक्सपेंडिंग डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम इन इंडिया मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है अजय बंगा एट व्हाट अमाउंट आरबीआई फिक्स द मिनिमम नेट ओन फंड साइज ऑफ एचएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए आरबीआई ने कितने राशि पे मिनिमम नेट ओन फंड का आकार तय किया है इसका सही जवाब होगा बीस करोड़ पहले था ये पच्चीस करोड़ तो इसे फिर से रिवाइज करके बीस करोड़ किया गया सो दैट द हाउसिंग फिनंस कंपनी कैंड कमेंस द इट्स मेन प्रिंसिपल बिजनेस जो है फॉर प्रोवाइडिंग लोन एंड फिनंस फॉर हाउसिंग एंड हाउसिंग हाउसिंग से रिलेटेड जो भी फिनंस प्रोवाइड करेगा हाउसिंग फिनंस कंपनी तो उसका जो मिनिमम नेट ओन फंड है वो कितना तय किया गया है बीस करोड़ और साथ साथ ये भी आर बी आई ने पॉलिसी गाइडलाइन दिया है कि एच एफ सी हैव एट लीस्ट सिक्सटी परसेंट ऑफ देयर नेट असेट्स सो दैट दे कैन डिप्लॉय इन द बिजनेस फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स अंडर हाउसिंग फाइनेंसिंग फॉर हाउसिंग एज पर आर बी आई अनाउंसमेंट बैंक कैन डिप्लॉय मनी ड्रॉन फ्रॉम टीएलटीआर हाउ मेनी सेक्टर्स तो आरबीआई के घोषणा के अनुसार बैंक टीएलटीआर ओ से आने वाले धन को कितने क्षेत्रों में स्वीकृत प्रसारित करेगा इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सिक्स तो छह सेक्टर में सो द बैंक कैन कंडक्ट ऑन टैप जो टी एल टी आर ओ क्या है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस और वो कितने का करेगा बैंक जो भी बैंक से पब्लिक बैंक इट विल डू इट विल कंडक्ट टी एल टी आर ओ ऑफ वन लाख करोड़ विथ टेन ईयर ऑफ थ्री ईयर्स और जो छः सेक्टर्स से, हैं उन्हें वो कितने कितने सेक्टर्स को डिप्लॉय करेगा बैंक्स जो भी टी एल टी आर ओ से जो फंड्स आएंगे कितने सेक्टर्स को वो बैंक देगा छः सेक्टर को वो छः सेक्टर कौन कौन से हैं एग्रीकल्चर है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर है सिक्योर रिटेल सर्विस है एमएसएमई है ड्रग्स फार्मा और छठा जो है हेल्थ केयर है यानी छह सेक्टर्स कौन कौन से हुए एग्रीकल्चर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर रिटेल एम एस एम ई ड्रग्स फार्मा और छठा हेल्थ केयर तो इन छह सेक्टर्स को बैंक विल डिप्लॉय मनी विच इज ड्रॉन फ्रॉम टी एल टी आर ओ इसमें एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज था विच सेक्टर हैज अप्लाइड टू आर बी आई फॉर इंक्लूडिंग इन दिस टी एल टी आर ओ डिंग फिनेंस तो वो था एन बी एफ सी तो आर बी आई ने एन बी एफ सी को इंक्लूड नहीं किया अगर उसे इंक्लूड करता तो वो टोटल सात सेक्टर्स हो जाते विच स्टेट लॉन्च फेज टू ऑफ अर्बन एनवायरमेंट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम वर्थ ऑफ इलेवन थाउजेंड करोड़ तो किस राज्य ने ग्यारह हज़ार करोड़ के शहरी पर्यावरण सुधार कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पंजाब विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद आई आई एफ एल फिनेंस टू सोर्स एंड मैनेज रिटेल गोल्ड लोन असैट तो किस बैंक ने आई आई एफ एल फाइनेंस के साथ खुदरा गोल्ड ऋण परिसंपत्ति स्त्रोत और प्रबंधन के लिए भागीदारी की है इसका सही जवाब होगा सीएसबी बैंक सीएसबी बैंक कैथोलिक सीरियन बैंक कैथोलिक सीरियन बैंक इट हैज़ पार्टनर्ड विथ आई आई एफ एल फस टू सोर्स एंड मैनेज रिटेल गोल्ड लोन असेट्स सी एस बी बैंक का हेड क्वार्टर है त्रिस केरला में और आई एफ एल आई आई एफ एल का हेडक्वाटर है मुंबई में द अमाउंट अनाउंस बाई यूसेट टू सपोर्ट कोविड नाइन्टीन इनिशियेटिव ऑफ इंडिया तो भारत को कोविड नाइन्टीन इनिशियेटिव के लिए यूसेट कितना अमाउंट सपोर्ट करेगा उसका सही जवाब है ऑप्शन डी फ़ाइव मिलियन यू एस डॉलर तो यू एस यूसेट क्या है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और ये जो प्रोग्राम है ये कोविड एक्शन कोलाबरेटिव प्लान है जिसके तहत ये इंडिया को कितना प्रोवाइड कराएगा अमाउंट फाइव मिलियन यू एस डॉलर उत्तराखंड लॉन्च इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम इन पार्टनरशिप विथ इसका सही जवाब होगा नाबार्ड नाबार्ड के साथ उत्तराखंड ने पार्टनरशिप किया है एंड इंटीग्रेटेड फॉर इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम और ये क्या करेगा इट विल हेल्प इन स्ट्रेथनिंग द इकोनॉमी ऑफ फार्मर्स तो नाबार्ड और उत्तराखंड नाबार्ड ने रिसेंटली एक और प्रोग्राम को लॉन्च किया था स्कीम जिसका नाम था वाश प्रोग्राम वाश किया था वाटर सैनिटेशन हाइजीन प्रोग्राम विधिशियल मतलब जिसका ये था बजट आउटले था वर्थ एट हंड्रेड करोड़ का तो वाश प्रोग्राम किससे रिलेटेड है नाबार्ड से नाबार्ड के चेयरमैन कौन है जी आर चिंताला इन मुंबई क्वेश्चन ट्वेल्व है द फर्स्ट स्टेट टू फिक्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी फॉर सिक्सटीन एग्रीकल्चर आइटम्स तो कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और आधार मूल्य तय करने वाला पहला राज्य कौन सा है एमएसपी आर बेस प्राइस तो ये है इसका सही जवाब ऑप्शन बी केरल तो केरल हैज केरल इज द फर्स्ट स्टेट टू फिक्स द एमएसपी फॉर एग्रीकल्चर आइटम्स मोस्टली फॉर वेजिटेबल्स एंड सम फ्रूट्स मैपल टू बीवी क्या है बेरिंग प्राइवेट इक्विटी है मैपल टू बीवी विल एक्वायर ओवर फाइव परसेंट एंड अप टू ओनली नाइन परसेंट ऑफ द अप शेयर कैपिटल ऑफ विच बैंक तो किस बैंक के शेयर पूंजी को पाँच प्रतिशत और अधिकतम नौ प्रतिशत का अधिग्रहण करेगी इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन डी आर बैंक तो आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया है किसे मैपल टू बीवी जो इसका नाम है बेरिंग प्राइवेट इक्विटी मैपल टू बेरिंग प्राइवेट इक्विटी इट विल एक्वायर द फाइव परसेंट कैपिटल शेयर ऑफ आरबीएल बैंक और लिमिटेशंस क्या है ओनली नाइन परसेंट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ आर बी एल बैंक विच बैंक हैज लॉन्च ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग स्टाफ अकाउंटेबिलिटी पोर्टल एंड विजिलेंस पोर्टल किस बैंक ने ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग स्टाफ अकाउंटेबिलिटी पोर्टल एवं सतर्कता नियमावली का शुभारंभ किया है इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पी एन बी पंजाब नेशनल बैंक तो इसे क्या करेगा इट विल ट्रैक एंड मॉनिटर द कंप्लेन्ट्स रिगार्डिंग एन बी एंड अदर रेफरेंस ऑन वेरियस स्टेजेस ऑन ए रियल टाइम बेसिस इस इट विल हेल्प बैंक टू आइडेंटिफाई बैंक फ्रॉड्स एंड टू टेक इमिडिएट एक्शन जो है ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग इस्टाफ अकाउंटेबिलिटी से और विजिलेंस पोर्टल क्या करेगा विजिलेंस मैनुअल विल प्रोवाइड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ विजिलेंस फंक्शन एंड गाइडलाइंस तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक में ये शुरू किया गया दोनों बाई पी एन बी पंजाब नेशनल बैंक एम डी सी ई ओ कौन है एस एस मल्लिकार्जुन राव और हेड क्वार्टर है न्यू डेली में एन से रिलेटेड न्यूज था एक अगस्त का पी ने शुरू किया था डिजिटल अपनाए कैंपेन डिजिटल अपनाए फॉर एनेबलिंग कस्टमर टू अडॉप्ट डिजिटल ट्रांजेक्शन एंड डिजिटल पेमेंट तो डिजिटल अपनाया भी पी ने ही शुरू किया था विथ जी आई सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर विथ फ्री पे कार्ड टू लॉन्च ग्रुप सेफ गार्ड इंश्योरेंस किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने ग्रुप सेफ गार्ड इंश्योरेंस लॉन्च करने के लिए प्रीपेड रिटेल के साथ प्रीपे कार्ड रिटेल के साथ साझेदारी की है सही जवाब है ऑप्शन बी आई सी आई लॉन्गबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी फ्री पे कार्ड एक कौन सा क्या है एक कंपनी है ऑनलाइन प्रीपेड कार्ड ट्रेडिंग कंपनी है उसके साथ टाइप किया है आई सी आई लॉन्गबार्ड ने इसका हेड क्वार्टर है मुंबई एम डी है भार्गव दास गुप्ता और फ्री पे कार्ड का हेड क्वार्टर है गुड़गांव द फर्स्ट बैंक टू बिकम अ फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर वित्तीय सूचना प्रदाता बनने वाला पहला बैंक कौन बना है लाइफ बिकम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर लाइफ इसका सही जवाब कौन होगा ऑप्शन सी इंडज बैंक तो इंडज बैंक बिकम द फर्स्ट बैंक टू प्रोवाइड अ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर अंडर अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क ऑफ आर पूरा इसका यही है अंडर आर बी आईज उंट एग्रीगेटेड फ्रेमवर्क इंडे इंड बैंक बिकम द फर्स्ट बैंक टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर एज लाइफ अंडर दिस तो इसके इसके क्या होगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर जो है कस्टमर विल शेयर ऑल देर डिटेल्स इंफॉर्मेशन विद द बैंक उस चीज को यह इंक्लूड किया है पहला इंडस इंड बैंक As per World Bank report, migration and development brief, the remittances to India will fall by how much percent in 2020? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नाइन परसेंट तो रेमिटेंस जो अर्न मनी भेजते हैं इन मेरियस फॉर्म्स से रेमिटेंस कहते हैं तो उसमें कितना कितने परसेंटेज की गिरावट आएगी नाइन परसेंट द फॉर करेंसी लोन एग्रीमेंट इन येन साइन बाई एन टी पी सी विद जापान बैंक जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन अंडर इट्स ग्रीन इनिशिएटिव, एन टी पी सी द्वारा जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ अपनी ग्रीन इनिशिएटिव के लिए कितने येन का ऋण समझौता किया है सही जवाब होगा ऑप्शन सी फिफ्टी बिलियन यिफ्टी बिलियन योक्स थ्री फाइव एट टू करोड़ वन येन कितना होता है पॉइंट सेवन वन इंडियन नेशनल रुपी यानी इकहत्तर पैसे का वन येन होता है और एन को भी रिसेंटली एक अवार्ड दिया गया फ्रॉम फूब्स द बेस्ट एम्प्लॉयर अमंग इंडियन पीएसयू नॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड द बेस्ट एम्प्लॉयर अमंग इंडियन पीएसयू एस यू एन टी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन महारत्न पी वन लाइनर सब देख लेते हैं विच कंपनी इन एसोसिएशन विद डी एम आर सी दिल्ली मेट्रो रेल रेल कॉरपोरेशन लॉन्च मल्टीपर्पज़ क्रेडिट कार्ड फॉर दिल्ली मेट्रो कम्यूटर्स एस बी आई कार्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज साइन एम ओ यू विथ विच टू सपोर्ट स्टार्टअप एंड एस एम एज एंड देर लिस्टिंग ऑन द एक्सचेंज तो किसके साथ एम ओ यू साइन किया है आई सी सी आई ये क्या है इनवेंटि प्रेमियर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वो अलग है और ये है Inventive premier chamber of commerce and industry india extended line of credit for development projects in central asia 1 billion us dollar who participated in 10th round of ministerial uk india economic and financial dialogue finance minister nirmala sitaraman as per global finance safest bank list report which is asia's safest bank dbs bank development bank of singapore dbs bank is the asia's safest bank और इंडिया की तरफ से कौन रहा है एस बी आई इज एज बैंक इन द ग्लोबल फिनेंस सेफेस्ट बैंक लिस्ट रिपोर्ट अमंग एशियाज अमंग एशिया हु इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ आई बी ए इंडियन बैंक एसोसिएशन राजन राय जी सो ये था अक्टूबर बैंकिंग फिनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट थर्ड बाईस से इकतीस अक्टूबर के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी ये उसका वीडियो था आप बाकी की वीडियोज़ भी ज़रूर देखिए वीकली करंट अफेयर्स डेज एंड थीम्स बुक्स ऑथर्स वो सारे आपके एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेंगे सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग थैंक यू